मेरे भाई से प्यार इस तो नहीं हो प्रकार गया? वीडियो बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सोचना भी मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। इंस्टाग्राम ऐप को जब हम ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें बीएन कोर्स का प्रोफाइल दिख रहा है बीएन का, ठीक है। तो इसमें कई सारे वीडियो हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें से किसी भी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। सिंपली हमको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है। तो हम गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमको सर्च करना है बीएन वीडियो एडिटर। फिलहाल मैंने सर्च कर रखा था तो मैं इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। सेकंड नंबर पे है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो फिलहाल मेरा इंस्टॉल कर रखा है मैंने ऑलरेडी, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया है, थोड़ा टाइम लेगा। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हमको ऊपर स्कैन वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारे सामने कुछ इस प्रकार आ चुका है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में इमेज वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने उसको इनवैलिड क्यूआर कोड बता रहा है। तो सिंपली मैं दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ऐप पे जाना है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद सिंपली हमको बीएन, अभी मैंने जो डाउनलोड किया था इंस्टॉल किया था ये आ गया। सिंपली हमको जो स्क्रीनशॉट लिया था इसको बैक करके दोबारा स्कैन करा देंगे। स्कैन कराने के बाद कॉर्नर पर जाएंगे, ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है इसको सिलेक्ट कर लिया। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हमको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड हो रहा है। हेलो दोस्तों, तो जैसे हमने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद हम इसको बोल रहा है ईमेज सेलेक्ट करिए। तो हम अपना कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सिलेक्ट कर दिए, रिप्लेस कर दिए सारे पे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। मैनुअल कर सकते हैं, मैनुअल में जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। जितना बढ़ाना है, मैं तो 720 पे कर एवरेज अपना MBPS जो मतलब सेट करना हो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑटो पे रख दे रहा हूँ और एक्सपोर्ट किया तो हमने डन कर दिया। हमको सिंपली क्या करना है, वीडियो तो हमने डाउनलोड कर लिया, इसको हम म्यूजिक सुन लेते हैं, आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो आवाज़ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।